खबर हरदा जिले की हंडिया से है, जहां केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना में धांधली और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। हालात ये हैं कि नर्मदा नदी के किनारे मुक्ति धाम की जमीन पर योजना के तहत पीएम आवास बना दिए। ग्रामीणों का आरोप है, प्रशासन की ओर से यहां लाखों रुपए की लागत से मुक्ति धाम का निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते अब शमशान के नवनिर्माण की योजनाओं पर ग्रहण लग चुका है। योजना आरम्भ होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। नर्मदा नदी के तट के साथ ही मुक्तिधाम की जमीन पर अतिक्रमण कर लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बना लिए और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ऐसे में अब ये दाह संस्कार के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि दाह संस्कार की जगह ना होने पर निमावर नर्मदा घाट पर ले जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। हमारा श्री रामानंद आश्रम में रहते हैं, हरिया में शमशान घाट में सुविधाएं नहीं होने के कारण शमशान जो है मुक्ति धाम में सुविधाएं नहीं होने के कारण निमावर जो है शरीर को ले जाकर के दाह संस्कार निमावर में करवा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके मकान बनवा दे रहे हैं।